हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता महेश्वरी फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। बच्चों आइए, हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी में आज हमारा टॉपिक है शब्दों को शुद्ध करके लिखो। शुद्ध का क्या मतलब होता है बच्चों? शुद्ध का मतलब है सही करके। यहाँ पर आपको जो वर्ड्स दिए हैं उसमें आपकी मात्राओं में मिस्टेक होगी, वो वर्ड्स कहीं ना कहीं गलत लिखा हुआ है, उसको हमें करेक्ट करके शुद्ध करके यहाँ लिखना है। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़े करेक्ट वर्ड, सेम यहाँ पर भी वही चीज है। ठीक है, चलो देखो। इसके लिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप सभी बच्चों ने मात्राएं पढ़ रखी हैं, है ना। आपको ये भी पता है कि अगर छोटी मात्रा होती है तो उसकी साउंड धीमी होती है, और अगर बड़ी मात्रा होती है तो उसकी साउंड तेज होती है। अगर हमें मात्राएं अच्छे से या पता है और हम ध्यान रखेंगे उस चीज का, तो हम ये वर्ड को भी सही लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे नंबर वन है, ये क्या लिख रहा है बच्चों, पढ़ो। उसी साउंड में पढ़ना, बड़ी मात्रा है तो तेज साउंड में पढ़ना, छोटी मात्रा है तो धीमी साउंड में पढ़ना। ठीक है, लिख रहा है टीफिन, टीफिन, टीफिन बोलते हो बच्चों? नो, क्या बोलते हैं हम? टिफिन। क्या बोलते हैं? टिफिन। जल्दी से बोला ना हमने, कौन सी साउंड आ रही है उसमें? छोटी मात्रा की, और यहाँ पर कौन सी मात्राएं लगी हुई है? बड़ी मात्राएं। तो इसको हमें करेक्ट करके शुद्ध करके यहाँ लिखना है टी फी न। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? टिफिन। ये होता है हमारा करेक्ट वर्ड। ठीक है, आगे पढ़ो क्या लिख रहा है। बकरे, ऐसे बोलते हैं बकरे या बकरी? बड़ी की मात्रा आती है बकरी में, तो हमारा सही वर्ड क्या होगा? बकरी। फिर क्या होता है हमारा? अचानक या अचानक। करेक्ट वर्ड क्या है हमारा? अचानक। तो अ पर कोई मात्रा नहीं आएगी, अचानक, अचानक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, यहाँ लिखा है लोमडी, लोमडी। आप बताओ कैसे पहचाना? यस, यहाँ होता लोमड़ी, बड़ी में नीचे बिंदु भी आती है। ये तो हमारा बन गया, नहीं तो ड डमरू, तो ये क्या बनेगा हमारा? लोमड़ी। हो गया करेक्ट। नंबर फाइव पर क्या लिखा हुआ है? हम जोली, जबकि करेक्ट वर्ड हमारा क्या होता है? हम जोली। ओ की साउंड आ रही है, यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मात्रा कौन सी आएगी बच्चों? छोटे ओ की, हम जोली। नंबर सिक्स पर दिया है मछुआरा, आप बोल कर देखो एक बार, मछुआरा, मछुआरा। तो छा पर हमारी कौन सी ऊ की मात्रा आती है? छोटे ऊ की। ये होगा हमारा करेक्ट वर्ड मछुआरा। फिर है नुकसान, नुकसान नहीं होता बच्चों, होता क्या है? नुकसान। न पर भी छोटे ऊ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर भी छोटे ऊ की मात्रा लगेगी और ये बन गया नुकसान। नंबर एट है अध्यापक, ये बन गया अध्यापक, जबकि बोलते क्या है हम? अध्यापक। ध जो होता है वो हमारा जल्दी से बोला जाता है, तो वो हमारा यहाँ पर आता है आधा ध, अध्यापक। ठीक है, नंबर नाइन है नजदीक, नजदीक, और होता क्या है करेक्ट वर्ड? नजदीक। क्या लिखेंगे हम? नजदीक, नजदीक। नंबर टेन है झाड़ियों, ड पर बच्चों छोटी की मात्रा आती है, ये बनता है झाड़ियों। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको यही शब्द दिए जाएं, आपको कोई और भी शब्द दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या, उसे पढ़ के देखना होगा कि इसमें साउंड मात्रा की जो आ रही है वो सही आ रही है या नहीं। ठीक है, तो हमें वो साउंड पता होगी तो हम मात्रा सही कर लेंगे और अपना वर्ड भी करेक्ट बना लेंगे। तो बच्चों ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।